हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ निधि सो गाइज आज के वीडियो में मैं विंटर स्पेशल फर्स्ट ट्राई हॉल लेकर आई हूँ आरब के लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है कुछ पहले के उसके पिछले साल के रखे हैं या कुछ बीच में ऐसे मंगा लिए थे और कुछ मैंने अभी रिसेंटली परचेस किए हैं सो so, वो सारे कपड़े जो क्लोदिंग है वो शेयर करूंगी और एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा विंटर्स नहीं पड़ती जैसे नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती हैं बट हमारे यहाँ पर बहुत ही माइल्ड सी हल्की फुल्की सी सर्दी पड़ती है तो उसके हिसाब से ही मैंने कपड़े मंगाए हैं बट कपड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो चलिए विदाउट एनी डी गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है आ, वो फर्स्ट क्राई का बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं एंड चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करती हूं तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो उसके लिए मैंने टी शर्ट वाले सेट लिए हैं कपड़े के वो मैं आपको दिखाती हूँ पहले ओके तो सबसे पहले जो मैंने मंगाया बड़ा ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग पीस है ये सो so, ये है एक टी शर्ट और इसके साथ में एक पैंट का सेट है ये तो ये फुल टी शर्ट है फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स है अच्छा कॉटन में है होजरी वाला कॉटन जो होता है वो ये वो वाला है और इस तरीके से इसमें देखिए लिखा है लिटिल डूड और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट लगा वही रेगुलर से थोड़ा सा अलग था यहाँ पर इस तरीके से मिलिट्री प्रिंट बना हुआ है और आगे आप देख सकते हैं वाइट एंड मस्टर्ड येलो का कॉम्बिनेशन मतलब ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ इसका नेक भी हाईलाइट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा घर में पहनना हो या फिर कहीं आसपास खेलने के लिए गार्डन वगैरह भी जा रहे हैं या किसी के घर मिलने मिलने भी जा रहे हैं तो भी ये कपड़ा मतलब उस तरीके का है और मोटा है तो विंटर्स में अगर आपने अंदर कुछ पहना दिया जैसे हमारे यहाँ जो ठंड पड़ती है कि अंदर आपने कुछ थोड़ा पहना दिया या फिर ऊपर से एक हल्की जैकेट डाल दी तो काम हो जाएगा दिन में हल्की धूप जब रहती है तब ये एकदम मतलब ऐसे भी पहनाया जा सकता है तो मैंने उस हिसाब से इसको लिया है सो so, ये एक टी शर्ट है इसका और इसके साथ में ये एक बहुत ही जबरदस्त पैंट है जो मुझे बहुत अच्छी लगी सो so, ये देख सकते हो आप सो so, ये मिलिट्री प्रिंट की है आर के पास अभी तक कोई भी ऐसा नहीं था इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने का सोचा सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो इलास्टिकेटेड वे वेस्ट बैंड है और यहाँ पर ये डोरी जो दी हुई आपको दिख रही है ये किसी काम की नहीं है ये सिंपली बस स्टिच है यहाँ पर तो ये एडजस्टेबल नहीं है आ, मतलब अपने साइज़ के हिसाब से आप जो मंगाएंगे तो इलास्टिक है तो एडजस्ट थोड़ा बहुत हो जाएगा तो उसमें यहाँ पर भी साइड में भी एक एक पॉकेट दी हुई है दोनों तरफ और नीचे इस तरीके का ये इलास्टिक दिया हुआ है तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर पैंट जो है वो थोड़ी बड़ी भी होती है तो भी ये इलास्टिक लगने से वो वहाँ पर मतलब एडजस्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों का जो साइज़ है ना वो एक साल में मतलब फोर ईयर के हैं और फोर कंप्लीट होने वाला फाइव कंप्लीट होने वाला है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो ऐसे में कपड़े थोड़े बड़े रहते हैं तो भी एडजस्ट किया जा सकता है अगर इस तरीके की इलास्टिक दी हुई हो तो तो मुझे ये पर्टिकुलर पैटर्न पसंद है इसलिए मैं आपको बता रही हूं so, ये है वो पैंट और इसके साथ में ये टी शर्ट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन मुझे लगा ये बेबी हग ब्रांड का है और इसका जो एम है वो 900 है मैंने जितने भी कपड़े हैं ना वो कुछ डिस्काउंट पे ही खरीदे थे 25 या 30 परसेंट का शायद इसे डिस्काउंट था तो सब कुछ मुझे डिस्काउंट पे ही मिल गया था बाकी एग्जैक्ट प्राइस वगैरह मुझे हर किसी का याद नहीं है तो शायद मैं स्क्रीन पे मैंशन कर दूँगी तो आप देख सकते हो नेक्स्ट है ये भी बहुत ही अच्छा सा मुझे एक सेट लगा ये इस तरीके की टी शर्ट है कॉलर टी शर्ट है और अगेन इसका भी प्रिंट जो है वो रेगुलर से थोड़ा सा डिफरेंट है और पहनने पर बहुत अच्छा लगता है आर के ऊपर इस तरीके के कलर्स बहुत ही डिसेंट लगते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कभी कभी क्यूट अच्छा लगता है कभी कभी डिसेंसी अच्छी लगती है मुझे सो so, उस हिसाब से मैंने ये लिया है कि कहीं घूमने वगैरह भी जाना है बहुत ज्यादा तो इस बार देखिए जाना नहीं है कहीं लेकिन फिर भी हां कभी ऐसे डे आउट के लिए गए हैं तो उसमें इस तरीके कपड़े जो है वो थोड़े सूट करते हैं तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने स्पेशली कॉलर वाला टी शर्ट लिया मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था अगेन ये फुल स्लीव्स का है और बहुत ही अच्छा सा कॉटन है सो इस तरीके का इसका प्रिंट है ओके एंड देन इसके साथ में जो पैंट आई है ये जीन्स पैंट है तो so, ये भी इलास्टिक वाली जीन्स है और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है कहीं कोई बटन वगैरह अंदर नहीं दिया है जिससे कि आप एडजस्ट कर सको सो so, यही है और इसमें भी जो पॉकेट्स है प्लेन एक जीन्स है ब्लू कलर में तो so, मैंने इसीलिए इसको सेट में ले लिया कि सेट में भी चल जाएगी और जीन्स भी अलग से नहीं लेनी पड़ेगी तो so, ये काफ़ी सही मतलब प्राइस में मुझे पड़ गया वरना एक जीन्स आप लेने जाओ तो फाइव से कम से कम मतलब तो डिस्काउंट के बाद भी 500 तो आपको देना ही पड़ेगा मैंने तो नाइन हंड्रेड तक की जीन्स भी ली है आरव की तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसका पूरा सेट का जो प्राइस है वो 900 है उस पर मुझे 30 परसेंट का डिस्काउंट भी मिल गया तो मुझे ये ये जीन्स मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि ये जीन्स मैं और भी कपड़ों पे इसको पहना सकती हूँ और ये सेट में तो है ही so, सो अच्छा है इसका जीन्स का कपड़ा हालांकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है जो डेनिम की एकदम प्रॉपर जीन्स होती है वो ये वो नहीं है लेकिन ये नॉर्मल पैंट से थोड़ी सी थिक भी है तो so, जीन्स और ट्राउजर के आ, बीच का ये मतलब पैटर्न है तो अच्छा लगा मुझे ये इसलिए मैंने ये ले लिया ऐसे कहीं पर मतलब किसी और भी ड्रेस के साथ मैं कंबाइन कर सकती हूँ सो ये जीन्स और इसके साथ में ये टी शर्ट और इसका भी नाइन कुछ प्राइज है तो डिस्काउंट के बाद ये मुझे फाइव हंड्रेड ऐसा कुछ पड़ गया था नेक्स्ट अगेन एक सेट मैंने लिया है सॉरी <coughs> सो so, ये, ये येलो एंड ब्लू ये फंकी सी टी शर्ट है जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और इसमें पहन के आराम रॉकस्टार लगेगा क्योंकि इसमें रॉकस्टार लिखा हुआ है सो so, ये रबर प्रिंट है रॉक जो है आई डोंट नो कितना दिन चलेगा लेकिन हाँ क्वालिटी तो अच्छी लग रही है एकदम से ऊपर से ऐसे निकलता हुआ ऐसा नहीं लग रहा है और इसमें प्रिंट अच्छा है गिटार विटार बना हुआ जो भी है और कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन भी बाकी के जो दो कपड़े मैंने दिखाए उससे काफ़ी अलग है बहुत ही पॉपअप हो रहा है बहुत ही प्यारा लगेगा तो ये घर वगैरह में पहनने के हिसाब से गार्डन वगैरह जाने के हिसाब से मैंने इसे लिया है ये उतना पर्पज़ मेरा सॉल्व करेगी अच्छा है इसका मटेरियल भी अच्छा है और दिखने में भी ये सुंदर लग रहा है और प्लेन सा है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कलाकारी नहीं है लेकिन इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद है और इसके साथ जो पैंट मिली है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है पैंट इसके अंदर आपको कोई थर्मल वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही थिक मटेरियल की और अंदर से ये वुवन है तो आप देख सकते हो तो अंदर से ये मतलब Uh, मतलब विंटर्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मटेरियल मुझे लगा सो so, इस तरीके का अगेन इसमें भी आप देख सकते हो कि ये इलास्टिक दी हुई है तो बच्चों की ये पैंट एक तो मैंने रीज़न आपको बताया कि अगर थोड़ी बड़ी भी है तो भी ये इलास्टिक होने से एडजस्ट हो जाता है साइज़ दूसरा कि जब आप वॉश करते हो ना बच्चों की पैंट्स या कपड़े एक दो बार के बाद में तो अगर इस तरीके की स्लीव्स है या फिर पैंट में भी अगर नीचे से इलास्टिक नहीं है तो ये क्या लूज हो जाता है और ऐसे फ्लेयर से बनने लगते हैं तो पैंट में वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है तो अगर इलास्टिक लगी हुई हो ना तो धोने के बाद भी इसमें फ्लेयर अगर इलास्टिक लूज भी हो जाए तो भी फ्लेयर्स नहीं बनते तो प्रेजेंटेबल थोड़ा सा लगता है सो so, इसीलिए मुझे इस तरीके का ये पैटर्न जो है वो पसंद आता है सो so, ये पैंट बहुत ज्यादा अच्छी है और इसमें पॉकेट वगैरह भी बनी हुई है तो so, आप मतलब इसे विंटर्स में घर वगैरह घर में पहनने के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा इसके अंदर आपको कुछ इनर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है आ, ऐसे भी ये काफी गरम करेगी नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली जब मैंने ऑर्डर किया था तब मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा आएगा जब ये आया तो मैंने मैंने देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अमेजिंग था तो इसमें ये अमेजिंग क्या था वो मैं आपको दिखाती हूँ ये टी शर्ट आप देख सकते हैं कितना स्पार्कल कर रहा है शाइन कर रहा है एक्चुअली में ये सीक्वेंस वर्क इसमें किया हुआ है ये देखिए ये अभी आपने देखा ना कॉपर और सिल्वर में इसका ये कलर है इसमें वर्ल्ड बना हुआ है वर्ल्ड का वो ग्लोब बना हुआ है और अभी देखिए ये देखिए वाह जस्ट वाह मुझे बहुत पसंद आया <coughs> सो so, ये इस तरीके का कलर हालांकि ये टी शर्ट पूरी प्लेन है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है बाकी से लेकिन ओवरऑल ये फुल स्लीव्स की है तो इसके अंदर आप थर्मल या कोई स्वेटर वगैरह पहना के बच्चे को पहनाएंगे तो ये आ, किसी भी बच्चे पे इतने प्रटी लगने वाला है इसका कलर जो है एकदम सूदिंग कलर्स है इसके अंदर ग्रीन वाइट लाइट ब्लू वो मुझे बहुत अच्छा लगा प्लस ये जो है ना ये मैंने अभी तक देखा नहीं था अरब के किसी भी कपड़े में इवन जब ये साइड पर भी देखा था मैंने तब भी मुझे नहीं पता था ये सीक्वेंस वर्क में आएगा मुझे लगा कुछ प्रिंट वगैरह होगा बट मुझे अच्छा लग रहा था ये एनवायरमेंट के ऊपर इसका कोट है तो ये मुझे अच्छा लगा था बट जब ये आया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बहुत ज़्यादा सुंदर बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था और ये इसमें पैच लगा हुआ है मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ इनकेस अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि ये बच्चों को चुभेगा तो नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं चुभने वाला है ये देखिए इस तरीके से इसमें पैच लगा हुआ है और मैंने पूरा चेक कर लिया कि ये चुभने वाला तो नहीं है तो ये अभी तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि नहीं चुभेगा आप धोने वगैरह धोने के बाद ये कैसा होगा वो मुझे नहीं मालूम है बट ऐसे तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा क्लासी पीस लगा आप देखो मुझे ये चीज़ बहुत ही अट्रैक्ट करने करने लगी आर को भी जब दिखाया तो हम लोगों ने कई बार ये वाला गेम खेला ऐसे करके कल ही ये पार्सल मैंने खोला है आए हुए इस पार्सल को हो गए तीन चार दिन तो ये दो तीन दिन से वो था फिर कल हमने इसको ओपन किया तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके साथ में भी जो पैंट मिली है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी की पैंट है ये देखिए आप सेम वही है लेकिन ये बहुत थिक मटेरियल है तो विंटर्स के हिसाब से परफेक्ट जाएगा और इसमें वो एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसमें वो डोरी दी हुई है जो कि बच्चों की कमर पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो और ये भी अंदर से वोवन ही है इस तरीके से सो so, ओवरऑल ये पैंट और ये टी शर्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत ही ज्यादा मस्त लगेगा एक साथ पहनने पे सो so, मतलब ये पूरी ड्रेस में मेरा ये फेवरेट हो गया क्योंकि इसका कलर इसका ये जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रटी लग रही थी हाँ इसका टी शर्ट थोड़ा सा विंटर्स के हिसाब से पतला है इसका कपड़ा तो मुझे लगता है इसके अंदर मुझे थर्मल पहनाना पड़ेगा बट ऐसे ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है फरवरी और मार्च के हिसाब से जो हल्की सी ठंड पड़ती है तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है बाकी हमारे यहाँ तो वैसे ही ठंडी पूरे हमेशा ही पड़ती है तो फिर हम हमारे यहाँ चल जाएगा अंदर बस एक थर्मल डालने से तो ये तो हो गए कुछ उसके विंटर वियर के टी शर्ट और उसका सेट जो होता है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि विंटर के हिसाब से कुछ गर्म कपड़े जो मैंने आरफ के लिए खरीदे हैं वो क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो बहुत ज़्यादा स्वेटर्स में इन्वेस्ट करने से मतलब नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी होने लग जाती है कि बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट होता है तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा स्वेटर्स तो नहीं लेते लेकिन आ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास थर्मल्स हैं ना तो वो गर्म भी बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते तो सही रहता है वो <coughs> तो मैंने बहुत सारे थर्मल्स शुरू से ही हमेशा लिए हैं लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसके लिए हैं एक इस तरीके का मैंने थर्मल लिया है ये बेबी मेरे जितने भी कपड़े अभी तक मैंने आपको दिखाए सब बेबी हक के हैं और आगे भी जो मैं दिखाऊंगी मोस्टली बेबी हक के ही होंगे क्योंकि बेबी हक क्यों ये सारे ब्रांड्स मुझे बहुत पसंद है अफोर्डेबल देते हैं कपड़े और क्वालिटी भी बहुत अच्छी देते हैं सो ये तो ये बेबी हक का ये एक टी शर्ट है आप देख आ, मतलब इनर है ये टी शर्ट इनर जैसे भी आप पहनाना चाहो तो ये अंदर पहना दो वाइट कलर का है तो ये हाफ स्लीव्स में है तो अंदर ये पहना दो और इसके ऊपर से कोई भी टी शर्ट वगैरह आप पहना दो तो बच्चे को कंफर्टेबल लगता है और मतलब अंदर से गर्माहट भी देता है और ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा कुछ लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है तो एक इस तरीके का हाफ स्लीव्स का मैंने ये टी शर्ट थर्मल जो है वो लिया है ये कुछ इस तरीके का है आप देख सकते हैं तो ये बेबी हक का है ये इसकी भी प्राइस वगैरह मैं लगा दूंगी तो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव था ये वाला बेबी हक में जो आपको थर्मल्स मिलते हैं उसकी प्राइस थोड़ी कम रहती है एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया अगेन ये भी बेबी हक का ही है ये मैंने इस तरीके से वेस्ट पैटर्न पर लिया है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है सिर्फ तो ये इस तरीके का पहना दो और अगर स्लीव्स वग़ैरह बहुत मोटी हैं कुछ ऐसा होता है ना कपड़ा तो उसमें क्या है कि अंदर से बहुत ज़्यादा हो जाता है स्लीव्स वगैरह भी हो जाती है तो बच्चों को थोड़ी सी अफनाट से होती है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं फर वाले ऐसा कुछ होता है तो उसमें इस तरीके का पैटर्न जो है मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ये वेस्ट पैटर्न पे ले लिया है तो अंदर ये पहना दो और उसके ऊपर से आ, फुल शर्ट या ऐसा कुछ भी कपड़ा जो है वो पहना सकते हैं नेक्स्ट मैंने बहुत ज़्यादा ठंड अगर पड़ती है तो उसके लिए मैंने ये आ, लक्स इन्फर्नो का ये लिया है ये इस तरीके का ये तो सबको पता ही है सो so, ये मैंने एक थर्मल लिया है और फुल स्लीव्स का है ये जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या हम कहीं जा रहे हैं कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने इसको परचेस किया है अभी आ, क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह आएगा तो रात में अगर कोई पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो उसमें यह पहना के उसके ऊपर से सिंपल कोई भी कपड़ा पहना दिया तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और बच्चे एकदम सिक्योर हो जाते हैं कि अब उसको ठंड नहीं लगेगी उसके अलावा मैंने एक और ये टी शर्ट भी लिया था ये आ, पिंक एंड ब्लू ब्रांड का है ये ये इस तरीके का है तो ये भी काफ़ी गर्म करता है ये एकदम गर्म ये स्वेट शर्ट जो होती है उस पैटर्न पे है ये और यहाँ से बंद हो जाता है तो इसके अंदर आपने कुछ भी दो तीन कपड़े लेयर करके इस तरीके का पहना दिया तो अच्छा लगता है मुझे तो इस तरीके का मैंने एक टी शर्ट लिया था ये और ये पैंट और जीन्स किसी के साथ भी जाएगा तो मुझे अच्छा लगा इसका कलर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ये मैंने पिछले साल लिया था लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी में कहीं कुछ गया नहीं है और ये गर्म करता है इसलिए अभी तक मैंने ये समर्स में आरफ को नहीं पहनाया था लेकिन अब वापस से विंटर्स आ गई है और मैंने थोड़ा बड़ा ही ले लिया था तो अभी आएगा वह ये जितने भी गर्म कपड़े लेती हूँ ना विंटर्स के हिसाब से जो विंटर स्पेसिफिक होते हैं उनको मैं एक साइज बढ़ा ही लेती हूँ क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ स्टफ तो करना ही पड़ता है सो so, ये आ, एक है नेक्स्ट आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगी ये मेरे हिसाब से मस्ट हैव है अगर आप के हाँ बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती है तो ये एक मैंने सेट लिया था बेबी हक का ही है शायद ये नहीं ये क्यूकम्बर ब्रांड का है सो so, ये आप देख सकते हो ये तरीके से हुडी वाला है इसमें कैप मतलब दी हुई है और ये बहुत ज़्यादा गर्म करता है अगर आपके यहाँ आप बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती हैं तो अपने बेबी के साइज़ से एक साइज़ बड़ा ये वाली आप जैकेट लीजिएगा और इसके अंदर आप कुछ भी स्टफ़ करके बच्चे को पहना सकते हैं और अगर मतलब ये ऐसा है ये देखिए इसके अंदर फर बने हुए हैं सो so, ये इसके अंदर फर बने हुए हैं और ये बहुत गर्म करता है बहुत गर्म करता है ये मैंने पिछले साल लिया था जब हम कहीं आ, ट्रिप वगैरह पे गए थे तब मैंने लिया था आरफ के लिए तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हालांकि दिखने में ये बहुत ज़्यादा कूल या बहुत फंकी से इसके कलर्स नहीं है बट विंटर से आपके बेबी को टोटली सिक्योर कर देंगे इसमें जिप लगी हुई है ऊपर कैप भी है तो बच्चे थोड़ा स्टाइल के चक्कर में पहन लेते हैं और कैप भी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बहुत ही डबल लेयर ये मटेरियल है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत परफेक्ट अगर आपके यहाँ आप ज़्यादा विंटर्स पड़ती है तो आप प्लीज़ इस वाले सेट को तो मेरे हिसाब से ज़रूर खरीदिए दे। देखिए इसमें इस तरीके की पैंट आती है और पैंट में भी अगेन आप देख सकते हैं कि ये फर बने हुए हैं सो so, ये बहुत ज़्यादा आ... मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी इसमें आगे पॉकेट वॉकेट भी बनी है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ओवरऑल इस तरीके का पीछे प्रिंट बना हुआ ये पीछे साइड है और ये आगे साइड है तो so, ओवरऑल ये वाला सेट जो है ये बहुत अच्छा है हाईली 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 रिकमेंडेड है और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी ये करीब फाइव सिक्स हंड्रेड का आई थिंक ऐसे ही प्राइस था वरना आप ये सेट ऐसे मार्केट में इस तरीके का कुछ गर्म लेना चाहो ना तो आपको हज़ार रुपये से कम में नहीं मिलेगा बट ये डिस्काउंट में मैंने लिया था और मुझे ये सिक्स या सेवन हंड्रेड का शायद से पड़ा था मैं देख करके एग्जैक्ट प्राइस दे दूँ और इसकी ओरिजिनल प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस वाले के एक दो सेट ले सकते अगर आपके विंटर्स बहुत ज्यादा पड़ रही है मतलब मेरे को इतना पसंद आया इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ सो नेक्स्ट मेरे पास ये ये है ये जो लोवर है मतलब ये भी लक्स इन का ही है शायद या बेबी हक का है बॉडी केयर का, okay, का है ओके ये बॉडी केयर का है सो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है हालांकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं मैंने इसे खरीदा तो था बट ये मुझे एकदम ही जरूर एक बार भी आरव को नहीं पहनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल विंटर्स पड़ती ही नहीं है जो नॉर्थ साइड में मार्च वगैरह होली के टाइम का एक वेदर होता है वो यहाँ पर पड़ता है तो उसमें क्या ही आप ये सब पहनोगे बट मैंने परचेस कर लिया था फ़ॉर सेफर साइड जब हम घूमने कहीं गए थे और एक हमने ये हाफ स्वेटर लिया था आरव के लिए ये बेबी हक का है सो so, ये अभी भी मैं पहनाऊंगी आरफ को ये देख सकते हो तो कितना सुंदर इसका प्रिंट है यहाँ पर टाई बनी हुई है तो ये मैंने पार्टी वेयर के हिसाब से लिया था कि यहाँ हमारे यहाँ क्योंकि ठंड कम पड़ती है तो पार्टीज़ वगैरह में आरब को ये पहना के लेके जाऊंगी और एक बार पार्टी में पहन के गया है अभी लेकिन अब मैं ऐसे घर में ही पहनाने वाली हूँ हालांकि इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा गर्म भी करता है और बहुत सॉफ्ट है बहुत परफेक्ट है और यहाँ पर इस तरीके से इसमें ओपनिंग भी दी दिए इनकेस बच्चा पहन मतलब ताकि गले की जो फिटिंग है ना वो अच्छी आए तो ये पहनने में बहुत ही क्लासी सा पीस लगता है और बहुत सुंदर है बेबी हक हाँ ब्रांड का है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था ये कुछ फोर या फाइव का था आई थिंक ये तो यस yes, ये है uh, विंटर्स के लिए और एक ये अल्टीमेट um, अमेजिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ हालाँकि इस uh, हॉल से इसका कुछ लेना देना नहीं है बट ये बहुत सुंदर सा एक फर वाली जैकेट है आरफ के लिए इसमें ये देखिए डॉगी बना हुआ है और ये बहुत गर्म करती है गर्म क्यों करती है वो मैं आपको बताती ये 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 तो मतलब ये देखिए एक्चुअली ये की जो दादी और दादाजी हैं वो लोग गए थे यूरोप तो वहां से आरफ के लिए लेकर आए थे और ये जब आया था तब तो थोड़ा बड़ा सा था बट अभी आरफ को एकदम परफेक्ट फिट आ रहा है पिछले साल ही आया था और ये बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट लग रहा था अभी आरफ को मैंने पहनाकर देखा कल और बहुत अच्छा लग रहा था उस तो अब वो खुश भी है इसको पहनने में और ये बहुत ज़्यादा गर्म करता है क्योंकि यूरोप में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है ऑब्वियसली तो वहाँ के हिसाब से है ये लेकिन हाफ है और हाफ़ का रीज़न यही है कि हमारे यहाँ ठंड कम पड़ती है तो हाफ़ में क्या कि थोड़ा सा वेंटिलेशन इधर से होता रहेगा तो सुंदर लगेगा तो बहुत ही प्रटी है बहुत ही अच्छा है सो ये तो बस मैंने आपको दिखा दिया है आरफ के पास बाकी ये तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है शायद और यस सो so गाइज़ ये था हमारा आज का फर्स्ट ट्राई हॉल आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा कि आपको इस बार कुछ ख़रीदना है तो क्या सबसे ज़्यादा इसमें जो बोलूँगी वो, वो ये है ये वाला सेट आप हाईली हाईली ख़रीदिए अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो ठंड के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट सेट है एंड यस uh, yes, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से कपड़े आपको ज़्यादा पसंद आए और सबके साथ में शेयर भी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए इतने सारे काम है और मैं कुछ टाइम नहीं लगता कुछ पैसे नहीं लगते तो सब कुछ जल्दी से कर लो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर